अमिताभ, ये एक ऐसी जगह है जहाँ से महीने भर का सामान लिया जा सकता है और एक से बढ़कर एक। अरे वो भी लेना है, नहीं? हाँ। अब मुझे इन लोगों को एक लेटर भेजना ही पड़ेगा। अंदर वाले से गुड जॉब। देख के आती हूँ कोई चिट्ठी आई है कि नहीं। अमिता, मेरा कोई लेटर आया क्या? हाँ, लगता तो है। किसका है? ये क्या है? आप लोगों का एक पेशेवर गैंग है, किसी को भी गोलियों से उड़ा देना हमारे लिए बच्चों का खेल है। जब भी हमारी नजर किसी चीज पर पड़ जाती है तो कि वो चीज हमारी हो गई। किसी ने इतनी हिम्मत नहीं की हमें रोक सके, और अगर कोई रोकने की कोशिश करेगा तो उसका एक ही अंजाम होगा, मौत, सिर्फ मौत। तुम सोने का फ्रेम का चश्मा पहनते हो, नीला रंग तुम्हें बहुत पसंद है, नीला सूट और नीली बिंदियों वाली टाई तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। तुम्हारी गाड़ी का नंबर MF02B517 है। रोज सुबह घर 8:30 बजे निकलते हैं और 10:30 बजे तक नरिमन पॉइंट अपने ऑफिस पहुंचते हो। तुम्हारी कंपनी का नाम सब ऐसे मेरे बारे में सब कुछ मालूम है। उन्हें मेरे बारे में सब कुछ मालूम है। कई दिनों से मेरा पीछा कर रहे हैं अमिता, कई दिनों से। हमसे चालाकी करने की कोशिश मत करना वरना अमृता के चेहरे पर एसिड फेंक देंगे। तुम्हें नजराना देना होगा 5 लाख। हमें 5 लाख रुपए चाहिए, तैयार रखना, हम बताएंगे कि कब और कहां देना होगा। अशोक, मुझे अशोक को बुलाना होगा। अशोक, अशोक, अशोक। अगर तूने पुलिस को बताने की कोशिश की तो याद रख कि आदमी को गाड़ने के लिए सिर्फ 6 फुट का गड्ढा चाहिए। थोड़े दिनों पहले पुलिस को कालबा देवी के गटर में एक आदमी की लाश मिली, वो हमें धोखा देने की कोशिश कर रहा था। ये वाकई ऐसा करेंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? अब मेरी खेड़ अशोक, अनुज, ये धमकी तो सीरियस लगती है यार। अरे इसका क्या मतलब है? यूं ही कोई भी इन गुंडों के चंगुल में फंस सकता है क्या? मगर अनुज तो हर रोज ऑफिस अकेले ही जाते हैं। अगर रास्ते में इन पर किसी ने अगर कुछ हो गया तो
बेटा, चिंता मत करो, घबराओ मत। लेकिन ये सब हमारे साथ ही क्यों? नहीं, इस गैंग ने हमें ही क्यों चुना है? कोई तो वजह होगी। मेरी गाड़ी का नंबर MH02B5171 है। सुबह 10:30 बजे तू नरीमन पॉइंट अपने ऑफिस पहुंचता है। तेरी कंपनी का नाम है 3 Aces Services। तेरे बारे में हम सब कुछ जानते हैं। लगता है ये आपके बारे में सब कुछ जानता है। ये मेरे बारे में सब कुछ जानता है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये तो ये भी जानते हैं कि इन्हें कौन सा रंग पसंद है, कौन सी टाई, कौन सा सूट, यहाँ तक कि इनके निकलने का वक्त भी। अभी तो उसने अनिता के चेहरे पर एसिड फेंकने की धमकी भी दी। इंस्पेक्टर साहब, क्या वो वाकई में ऐसा करेगा? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? देखिए अमिता जी, ऐसे धमकियों के केसेस आजकल आम है। और अगर आप इन धमकियों से डर गए तो बस, यही तो चाहते हैं वो। कितनी कितनी आसानी से कह दिया ना आपने कि डरिए मत, यहाँ मेरे पति की जिंदगी दांव पर लगी है। नहीं अमिता जी, ऐसी बात नहीं, आपने गलत समझा है। आपके पति की जान को जो खतरा है उसका पूरा एहसास है हमें, और जब तक हम आपकी हिफाजत कर रहे हैं, आपको या आपके पति को कुछ नहीं होगा, विश्वास रखें। मगर आप 24 घंटे कैसे इनकी हिफाजत कर सकते हैं? ये काम हमने 2 घंटे पहले ही शुरू कर दिया है। जब यहाँ की लोकल पुलिस ने हमें आपके केस के बारे में कॉन्टेक्ट किया था, तभी हमने सादी वर्दी वाले पुलिस लगा दिए आपके घर के बाहर, आपकी सुरक्षा के लिए। इसीलिए मिस्टर अनुज, हम फिर कहेंगे, आप डरिए मत, अपना कामकाज जारी रखिए, अपने काम पे जाइए, वरना घर बैठेंगे तो लगेगा कि आपने उस गैंग के सामने घुटने टेक दिए। मेरा मन अभी भी ऑफिस जाने को नहीं कर रहा है। देखिए, मुझे तो लगता है आपको ऑफिस जाना चाहिए। हाँ मैं जानता हूँ मुझे जाना चाहिए, पर हिम्मत रखो, चिंता मत करो। मुझे अपनी चिंता नहीं है अमिता, मुझे तुम्हारी चिंता है। उसने तुम्हारे चेहरे पर एसिड फेंकने की धमकी दी। ये समझ में नहीं आता कि ये सब कुछ हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। अगर हम ऐसे ही डरते रहे तो काम कैसे चलेगा? चलो तुम जल्दी से ब्रेकफास्ट करो और ऑफिस जाओ, मैं भी मार्केट जाऊंगी। मार्केट जाऊंगी? हाँ क्यों नहीं, मैं भी जाऊंगी मार्केट। चलो जल्दी ब्रेकफास्ट करो और ऑफिस जाओ। दया, कालबादी पुलिस स्टेशन से कुछ पता चला? सर, हमने पिछले 2 सालों के रिकॉर्ड देखे, पर उनमें किसी में भी गटर में लाश मिलने के बारे में कुछ नहीं लिखा है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा था। और मिस्टर अनुज के बारे में कुछ पता चला? जी सर, कुछ जानकारी तो मिली है। मिस्टर अनुज कलकत्ता के रहने वाले हैं और कुछ 5 साल पहले उन्होंने अपने ससुर की मदद से मुंबई में शेयर्स की दलाली का काम शुरू किया था। और सर, वो काफी कामयाब भी थे। थे से तुम्हारा मतलब ये सर कि कुछ समय से उन्हें और उनके क्लाइंट्स को बिजनेस में भारी नुकसान हुआ है, हालत काफी खराब है सर। ओ, तो ये बात है। क्या मतलब? ये पैसे मांगने वाला मिस्टर अनुज से 5 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है, और मिस्टर अनुज किसी भी तरह ये रकम नहीं दे सकते, चाहे कुछ भी हो। अब या तो वो उसकी धमकियों का बराबर सामना करते रहें, या फिर शहर छोड़कर चले जाएं। अब सवाल ये उठता है कि अगर अनुज शहर छोड़कर चला जाता है तो फिर सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा? और सर, दूसरी तरफ ये भी तो हो सकता है कि मिस्टर अनुज की वजह से उनके किसी क्लाइंट को 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ हो, और वो शायद ये पैसे इस तरह से निकलवा रहा हो। हो सकता है। और सर, हमारी इन्वेस्टिगेशन से ये भी पता चला है कि मिस्टर अशोक, जो मिस्टर अनुज के बचपन के दोस्त हैं और पड़ोसी भी, उन्हें भी मिस्टर अनुज की वजह से बहुत नुकसान हुआ है। We'll be right back.
हेलो, हाउ आर यू? क्या नाम है आपका? वेरी गुड. कौन से स्कूल में पढ़ते हो? जरा चुक गई, वरना आज वो पकड़ा जाता. इंस्पेक्टर साहब, उसने एक बार और धमकी दी है कि वो अमिता के चेहरे पर एसिड डालेगा, और आज तो उसने डिपार्टमेंटल स्टोर में कोशिश भी की. उसने फोन पे क्या कहा? उसने कहा कि वो एसिड डालने ही वाला था. कि क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि उसने एसिड ही कहा था? हाँ, उसने एसिड ही कहा था. नहीं, आई मीन वो एसिड शब्द ठीक से तो बोल रहा था, उसका उच्चारण तो ठीक था. एसिड तो एसिड ही है, उसका उच्चारण ठीक है या नहीं, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है मिस्टर अशोक, बहुत फर्क पड़ता है. उसका हर कदम, उसका बोलने का ढंग, उसकी प्रोनाउंसिएशन, ये सब बातें हमें उस आदमी के बारे में काफी कुछ बता सकती, और इससे हमारा उस तक पहुंचना काफी आसान हो सकता. इतनी टेंशन पालने से तो अच्छा है कि मैं उसे पैसे दूं और अपनी जान छुड़ाऊं. मिस चानुज, अगर आप उन लोगों की बात मानेंगे तो ये आपकी मुसीबतों की शुरुआत होगी, अंत नहीं.
आप हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाए। मिस्टर अनुज, ये हमारा पहला केस नहीं है, हम ऐसे काफी केसेस सुलझा चुके हैं और हमसे कोई बच नहीं सका। अब आप एक काम कीजिए, हम आपको एक मशीन देते हैं, ये एक रिकॉर्डिंग मशीन है, इसे आप घर ले जाइए और अपने फोन से जोड़ दीजिए। जब भी आप इस पर बात करेंगे तो फोन करने वाले की सारी बातें इस पर रिकॉर्ड हो जाएंगी और फिर हम उस आदमी की बातें दोबारा सुन सकेंगे। ये देखिए, इसके लिए हम टेलीफोन एक्सचेंज से भी तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, कर तो सकते हैं, मगर उन्हें काम शुरू करने में काफी समय लगेगा और हमारे पास वक्त बहुत कम है। इसे ले जाइए और उस आदमी की आवाज रिकॉर्ड कीजिए। अभी क्या कहते हैं सीआईडी वाले? कुछ तो हल होगा, कुछ तो कहते होंगे वो। परेशान लग रहा है, पहचाना? सुनील बोल रहा हूँ। अपने उस चमचे अशोक से बोल के मेरे मामले में टांग नहीं अड़ाए, समझा? और एक बात ध्यान से सुन, मुझे पैसे चाहिए और वो भी 48 घंटे में, याद रखना। हेलो, हेलो, आखिर इस रिकॉर्डिंग से कैसे पकड़ेंगे उसे सीआईडी वाले? सर, कल हमें अनुज और अशोक के बारे में ये भी पता चला है कि दोनों कलकत्ता में कॉलेज में एक साथ पढ़ा करते थे, लेकिन अनुज बड़े भाग्यवान निकले कि उन्हें अपने ससुर का जमा जमाया शेयर्स की दलाली का बिजनेस मिल गया। मिस्टर अशोक ने भी काफी मेहनत की है सर, लेकिन उनका बिजनेस कुछ जमा नहीं है। एक बार तो दोनों साथ मिलकर बिजनेस करने की भी सोच रहे। सब कुछ तय हो गया था सर कि अचानक मिस्टर अनुज पीछे हट गए और ऊपर से अशोक को अनुज की वजह से शेयर्स में काफी सारा नुकसान उठाना पड़ा है। राइट राइट सर। सर, अगर इन धमकियों से डरकर अनुज इस शहर को छोड़ने की बात सोचते हैं तो इसका सीधा फायदा अशोक को होगा, क्योंकि मिस्टर अनुज सीधे मिस्टर अशोक के पास ही जाएंगे और उन्हें अपना बिजनेस देने की बात करेंगे और मिस्टर अशोक जिनकी हालत बहुत खराब है उन्हें मिस्टर अनुज का जमा जमाया बिजनेस मिल जाएगा और जो उनका नुकसान हुआ है वो भी बराबर हो जाएगा। अब सारा मामला आहिस्ता आहिस्ता साफ होने लग गया। पहले वो लेटर, फिर वो फोन कॉल, धमकियां, वो एसेट, अशोक का नुकसान, अनुज का बिजनेस, उसका चला जाना। अब ये केस काफी दिलचस्प बन रहा था। इंस्पेक्टर साहब, मैं हाफी का इंतजार कर रहा था। आप अभी तो ऑफिस नहीं गए? हम लोगों के सर पर तलवार लटकी हुई है और आप ऑफिस की बात कर रहे हैं? हम आम आदमी हैं, जब अपनी जान पर बन आई है तो ऑफिस क्या, और हम नॉर्मली कैसे जी सकते हैं इंस्पेक्टर साहब? और ऊपर से वो फोन पे फोन किया जा रहा है। हाँ, हर आधे घंटे में फोन करता है, प्लीज आप कुछ कीजिए। उसकी बात तो रिकॉर्ड हो ही गई होगी ना? जी। कितनी देर बात की उसने? ज्यादा नहीं, पर मुझे लगता है कि उसे शक हो गया था कि हम उसकी आवाज रिकॉर्ड करने लगे, क्योंकि बाद में उसकी बात छोटी होने लगी। देखते हैं। मैं सुन, सुनील बोल रहा हूँ। वो दिल डरपोक साला अपनी अमृता और दोस्त के पीछे छुप रहा है। अब ये मामला और भी खतरनाक हो गया है, क्योंकि अब मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। दो दिन, सिर्फ दो दिन है तेरे पास, मुझे वो पैसे चाहिए, नहीं तो तू जानता है मैं अमृता पर क्या करूँगा। नाइट्रिक एसिड से उसका थोपड़ा जला दूंगा। मेरी दूसरी चिट्ठी का इंतजार करना, समझा? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.